सवाल पूछने से क्या आंकड़ा देखिए, क्या स्थिति था बिहार में, इतने लोग पत्रकार लोग आप लोग हैं, क्या स्थिति था कि बिहार में 15 साल पहले कोई भरपेट सांस भी ले पाता था क्या बिहार में? जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे थे वो समय आ गया है। विधानमंडल की कार्रवाई आज से शुरू हो रही है और विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के उस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि विधानसभा के भीतर इस रिपोर्ट को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा होगा और इस हंगामे को कहीं ना कहीं किस तरह से संभालेगी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की टीम, ये देखने वाली बात थी। लेकिन इन सब बातों के बीच में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीति आयोग के पूरे इस रिपोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है अशोक चौधरी ने, वहीं उन्होंने कई ऐसे शब्द बोले हैं जो शब्द इस तरफ इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ चल रहा है और इस मामले को सुधारने के लिए क्या कुछ होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नित्य केंद्र सरकार और नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, उसमें अशोक चौधरी ने जो बातें कही है वो साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं टकराव लंबा होने वाला है। देखिए और सुन लीजिए क्या कुछ कहा है अशोक चौधरी ने। लेकिन लेकिन कई नीति आयोग का मामला हो, शराब का, शराबबंदी का मामला हो, शराब से हुई, देखिए नीति आयोग का जो मामला है, नीति आयोग ने क्राइटेरिया नहीं डिस्क्लोज किया है। ऑन विच क्राइटेरिया ही सेइंग बिहार इज ऑन लास्ट स्टेज, वो तो क्राइटेरिया बता नहीं रहे हैं। 15 साल का जो हमारे पास आंकड़ा है, जो हम लोग कह रहे हैं कि कैसे हमने इस 15 वर्षों में हमने बिहार को डेवलप किया, आप इंडिया टुडे का सर्वे देख लीजिए, आप नीति आयोग को मांगिएगा कि इंडिया टुडे के सर्वे, इंडिया टुडे इज ऑल्सो अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, उसके सर्वे को मानिएगा। उसने सर्वे में कहा है कि बिहार ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें नाम है और नंबर पहला नंबर दिया है। तो आप नीति आयोग का जो क्राइटेरिया है वो डिस्क्लोज करें ना नीति आयोग। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि हाँ वी नीड सेंट्रल असिस्टेंस, हमको सेंट्रल असिस्टेंस मिलना चाहिए। व्हाई नीति आयोग इज नॉट क्रिएटिंग अ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बिहार इफ ही फील्स दैट बिहार इज ऑन अ लास्ट स्टेज। अगर हम ये कहते हैं कि इतने प्रयास के बावजूद भी जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हमने प्रयास किया, ऐसा तो है नहीं कि 15 साल में हमने बिहार को गर्त में बैठा दिया। अगर मूलभूत संरचना देखिए कितना हमने करीब 17,000 किलोमीटर से ऊपर रोड बनाया है सिर्फ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे का अलग है। अब बिजली का हर घर में हमने पहुंचाने का काम किया है। 12% बच्चे स्कूल के बाहर थे, अब 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर है। हमने स्कूल प्राथमिक विद्यालय 25,000 से ऊपर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया है, 2,70,000 से ऊपर अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण किया, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। आप उस सब आंकड़ा को आप देखते नहीं है, अब वो सब क्राइटेरिया कहाँ से लाए आपने? What criteria makes Bihar on the last stage? ये तो disclose करिए। तेजस्वी यादव उन्हीं criteria के आधार पर अब है कि तेजस्वी यादव तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको तो जानकारी कुछ है नहीं। अब नीति आयोग का एक रिपोर्ट लाया, आपने बोल दिया नीति आयोग करा, नीति आयोग करा, नीति आयोग के रिपोर्ट का क्राइटेरिया क्या है? हम तो उस पर बहस करेंगे ना, क्योंकि हमने 15 साल काम किया है, हमने 15 साल काम किया है। तो अगर आप हमको कह रहे हैं कि हम फेल हैं, अगर कोई विद्यार्थी किसी को 90 नंबर आ रहा है और कोई प्रोफेसर बोल दे कि ये अनपढ़ विद्यार्थी है, ना चलिए वो विद्यार्थी प्रोटेस्ट करेगा ना भाई। नीति आयोग इज इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी है और नीति आयोग उस पर करेगा। नीति आयोग पर तो हम बार बार कह ही रहे हैं, क्राइटेरिया ना बताइए कि किस क्राइटेरिया पर हम आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला आपका है क्राइटेरिया फिक्स करने का? तो कह रहे सवाल जब पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है, तो विकास कैसे? अब देखिए ये सब का उनको आंकड़ा ना देखना चाहिए, आंकड़ा निकालिए ना, सवाल पूछने से क्या आंकड़ा देखिए, क्या स्थिति था बिहार में, इतने लोग पत्रकार लोग आप लोग हैं, क्या स्थिति था कि बिहार में 15 साल पहले कोई भरपेट सांस भी ले पाता था क्या बिहार में? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।